सरकार और समाज के बीच की सबसे निचली कड़ी अगर कोई है तो वो है आशा वर्कर। रोज सुबह घर से निकलकर लोगों के बीच में जाना, उनका कोरोना टेस्ट करना, उनसे स्वास्थ्य संबंधी जानकारी लेना, ये सब कुछ आशा वर्कर्स के ही भरोसे हैं। लेकिन आशा वर्कर्स किसके भरोसे हैं? जिनको समाज की चिंता है, उनकी चिंता सरकार को क्यों नहीं है? किस हाल में है आशा वर्कर्स और कोरोना से जंग लड़ने वाले इन वॉरियर्स को सरकार से क्या मिल रहा है? इन सब बातों की पड़ताल करती देखिए हमारी ये विशेष रिपोर्ट। सलारपुर की सुशीला मौर्या बताती है कि चिरई गांव में कोरोना का सर्वे का काम चल रहा है। लोगों के बीच बिना संसाधन के जाना पड़ रहा है। शुरू में कुछ सैनिटाइजर और थर्मल स्कैनिंग जरूर मिला था, लेकिन बाद में वो भी ले लिया गया। अब लोगों से उनके स्वास्थ्य संबंधी सामान्य सी जानकारी प्रशासन को उपलब्ध कराती है। 2000 रुपए महीने पर कोरोना जैसी जानलेवा बीमारी के खतरे के बीच सुशीला चिरई गांव के दीनापुर गांव में सर्वे के काम से जुड़ी हुई हैं। पुर की निवासी हूं, मेरा नाम किरण देवी है। आपने क्या देखा आशा बहुओं को लेकर? जी, जैसे कि आशा बहुएं इस समय कोरोना काल में सर्वे कर रही हैं और बहुत ही दिक्कतें उठाती हैं। घर घर पहुंचती हैं, हर घर घर जा जा के सर्वे करती हैं, हर एक एक लोगों के लिए देख रेख के लिए ध्यान दे रही हैं। तो उन लोग के लिए तो काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं, जैसे कि उन लोग कोई किट नहीं है, उन लोग के पास कोई सुविधा नहीं है, बहुत सारी उन लोग की दिक्कतें आती हैं। और कभी कभी तो ऐसा है कि उन लोग को जैसे कभी भी घर में चाहे जब भी फ़ोन आ जाता है तो उन लोग को निकलना पड़ता है, और घर पे डांट भी सुनती हैं और कई तरह तरह की बातें आती हैं कि हमेशा फ़ोन आता है, घर से निकल जाती हैं, रात को कभी जाती हैं, कभी दिन में जाती हैं, तो उन लोगों के लिए तो काफ़ी समस्याएँ हैं। सरकार की तरफ उम्मीद भरी नजरों से देखने वाली सुशीला को सरकार से क्या मदद मिलती है, ये तो सरकार को तय करना है। वही दीनापुर की सविता की सुनिए, सरकार से ये गुहार लगा रही हैं कि हमारे परिवार की सुरक्षा भगवान भरोसे है। सविता पूछ रही हैं कि सरकार हमारी जान की कोई कीमत है भी कि नहीं। सविता से जब हमने पूछा कि तनख्वाह क्या मिलती है, मानो किसी ने सविता की दुखती रग पर हाथ रख दिया हो। कहने लगी, तनख्वाह नहीं मिलती है साहब, मानदेय मिलता है। 8 मद में कुल 2000 रुपए और वो भी किसी न किसी रूप में कटकर ही आता है। 1600 से 1800 के बीच मिलता है। डिलीवरी कराने और फाइलेरिया जैसी कई बीमारियों में सरकार मददगार। ये आशा बहने सरकार से खुद मदद की आस लगाए हुए हैं। मंदरी देवी 10 दिन से कोरोना सर्वे के काम में लगी हुई हैं, लेकिन ब्लॉक से न तो इनको कोई सुरक्षा के पर्पस से किट दिया गया और ना ही इनके स्वास्थ्य की चिंता ही किसी को है। मेरा नाम है मन देवी विश्वकर्मा, मैं दीनापुर की आशा हूँ, मेरा ब्लॉक चिरई गांव है, मैं वाराणसी से बिलोंग करती हूँ। तो अभी आपने सर्वे किया था, क्या है सर्वे? ये कोरोना का सर्वे चल रहा है जो कि हर घर घर में जाना है और एक एक परिवार से मिलना है और उनको कोरोना के बारे में यानी सर्दी जुकाम बुखार के बारे में पूरी जानकारी लेनी है। तो क्या लगता है कि जो कोरोना काल में आपको कुछ मिला नहीं किट वगैरह, कैसे कर रही हैं आप लोग? किट नहीं मिला है, किट जो मिला था किट में जो थर्मा स्कैनिंग और पल्स ऑक्सीमीटर मिला था वो तो जमा हो गया है, मगर फिर भी अपनी जान को जोखिम में डाल के हम लोग फील्ड में निकले हुए हैं। हर घर घर जाते हैं, पूछताछ करते हैं, अगर कोई ऐसा संदिग्ध मिलता है तो उसको पीएससी पे भेजते हैं, जो जाने वाला नहीं होता है वो अपने अधिकारी कर्मचारी को बुला के यहीं पे सैंपलिंग करवा देते हैं। तो कैसा बिहेव होता होगा गांव में, जाती होंगी तो लोगों को? गांव में तो बिहेव एकदम बेकार है भैया, कभी कभी ऐसी नौबत आ जाती है कि जो कि धक्के मार के बाहर निकाल देते हैं लोग। सरकार का वेतन क्या है आपका मानसिक? सरकार में कोई वेतन, हम लोग का वेतन नहीं है, मानदेय मिलता है 2000 रुपये मंथली। 2000 तो हमारे किराया भाड़ा भी मौजूद है, मतलब नहीं हो पाते हैं। मंदरी देवी बताती हैं कि शुरू में कुछ सैनिटाइजर और एक मास्क दिया गया था, लेकिन मास्क टूट गया और सैनिटाइजर खत्म हो गया। सब कुछ भगवान भरोसे है। किसी भी व्यवस्था की सफलता उसके नींव की मजबूती पर निर्भर करती है, लेकिन अफसोस कि उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य महकमे को अपनी नींव की कोई चिंता ही नहीं। कोरोना काल में आशा बहने वो नींव है जिन पर कोरोना से मुकाबला करने की महती जिम्मेदारी है, लेकिन बिना सुरक्षा और प्रोत्साहन के वो ये कैसे कर पाएंगी, ये कहना बड़ा मुश्किल है। पिता मौर्या दीनापुर की निवासी हूँ, जो कि वाराणसी में है, चिरई गांव ब्लॉक से,
नियुक्ति है मेरी चिरेगा ब्लॉक में। तो अभी आप सर्वे करते क्या कर रहे थे आप लोग जी? कोरोना से संबंधित वो ब्लॉक से आदेश आया था कि उसका सर्वे करना है हम लोग को। क्या सर्वे में आपको कोई किट नहीं है, नमाज क्या है जी? सर वहाँ हम लोगों ने अपनी सुरक्षा की बात कही थी, लेकिन हम लोग की सुरक्षा में ये कहा गया कि आप लोग को सामान आ जाएगा, लेकिन अभी आप लोग तत्काल काम चालू करिए। और काम चालू में एक दो दिन हम लोगों ने काम किया, तीसरे दिन जाकर हम लोग को एक मास्क एजेंथ्रो और फिर उसके बाद वो सैनिटाइजर 50 से 70 ml तक मिला था। कितने दिनों के लिए जी? 10 दिन के लिए। कोरोना काल कब चला रहा है जी? इस कोरोना काल तो छह महीने से, यहाँ तो 6 महीने से। तो कितने जगह आपने सर्वे किया होगा लगभग कोरोना में? जी हम लोग का नियुक्ति सिर्फ दीनापुर में, जहाँ की हम लोग वासी निवासी हैं, बस वहीं 1000-1500 की आबादी में हम लोग को काम करना पड़ता है जी। तो जब कहीं जाती होंगी तो क्या व्यवहार लगता होगा लोगों को जी? वैसे तो हम लोग के यहाँ मतलब आपसी व्यवहार, जैसे हम लोग जिस फील्ड में काम करते हैं बहुत अच्छा है, लेकिन इस कोरोना के दौरान थोड़ी सी हम लोग को बहुत ज़्यादा कहीं कहीं दिक्कतें आई हैं, वो भी सिर्फ ब्लॉक की वजह से आई है। ब्लॉक में जो हम लोग को सामान सुविधा नहीं दिया गया, और हम लोग कोरोना में जैसे थर्मल स्कैनिंग मशीन दी गई, थर्मल स्कैनिंग मशीन सही नहीं था, जिसकी वजह से किसी एक घर में हम लोग गए, वहाँ पर हाई किसी का बता रहा है, किसी का सही बता रहा है, और जिसका हाई बता रहा है हम लोगों ने एडवाइस किया कि नहीं आप लोग इसको ब्लॉक पर पहले दिखाइए, ये है वह, तो वहाँ लोगों ने कहा कि आप लोग यहाँ से चले जाइए। तो हम लोगों ने अपने अधिकारी को भी फ़ोन किया, अधिकारी ने कोई रिस्पांस नहीं लिया। हम लोग 2-3 घंटे तक इंतज़ार करते रहे, लेकिन वहाँ कोई नहीं आया।